झारखंड में बीजेपी आजसू गठबंधन में दरार आ गई है। आपको बता दें कि काफी वक्त पहले से ही हालांकि कहा जा रहा था कि ये दरार आ गई है, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये दरार और भी गहरी होती चली जा रही है। झारखंड में अकेले दम पर एक चुनाव लड़ेगी कहा जा रहा है दोनों ही पार्टियां, और आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो को मनाने में हालांकि बीजेपी जुटी हुई है और आज आजसू उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो 17 सीटों की मांग पर अड़ी है आजसू लगातार, लेकिन बीजेपी 9 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं, और ऐसे में गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि क्या बीजेपी और आजसू साथ मिलकर झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर ये गठबंधन टूट की कगार पर है। हालांकि आपको बता दें कि आजसू पहले अपनी एक लिस्ट को जारी कर चुकी है और उस लिस्ट के बाद ही साफ साफ संकेत यहां पर मिल गए थे कि ये गठबंधन शायद कहीं पे टूट चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ। हमने भी आदरणीय ओम माथिर जी का बयान को सुना है, उन्होंने गठबंधन पे कोई बात नहीं कही, उन्होंने सीट शेयरिंग के बारे में बात की है। और तीसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, हम कल दूसरी लिस्ट जारी करेंगे, क्योंकि गठबंधन की बात जब करेंगे तो गठबंधन के विषयों पर भी बात होगी। गठबंधन तो सीट के लिए केवल नहीं बना है ना, जनता के हित के लिए बना हुआ, तो हम उन तमाम विषयों को निश्चित तौर पर कल रखेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी की है, हम कल दूसरी सूची जारी करेंगे। समिति में समझौते होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, और एक शर्तें हमने कोई ऐसी नहीं रखी थी, हमने अपने साथियों को हर तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब मांग सिर के ऊपर से निकल जाए तो बात थोड़ी मुश्किल बन जाती है। तो अब तो आप अकेले लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, हम अकेले लड़ रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्वक से लड़ेंगे, बहुत हिम्मत के साथ लड़ेंगे। अब आंसू से तमाम दरवाजे बंद हो गए बात के? फिलहाल तो स्थिति ऐसी ही है।